आप नहीं बोलते को फ्लैट आपका ही है तो नहीं एग्जैक्टिव फ्लोर पे, क्योंकि मुझे पता लगा जितने बड़े लोग थे उनका एक एक एग्जैक्टिव फ्लोर पे फ्लैट है। पहली बात तो आप खुद नाम रखा है सच्ची बात, तो सच्ची बात पे आप नाराज क्यों? नहीं आप मुझे, इसलिए मैं नाराज नहीं हो रहा क्योंकि बात तो मैंने की है मैंने ना, माजरत से आपने की। सवाल पूछा, मैंने सच्ची बात कर दी। अब सच्ची बात पे आप न्यारी साहब खुद नाराज हो तो फिर मैं क्या करूं? नहीं तो अच्छा ये चलो क्यों, क्योंकि चलो, आपने केस उठाया था, ये बल्कि असल लोग तो में क्रेडिट देते हैं लेते हैं मैं कि भाई। फकीर आदमी हूं, हाँ मैं सफेद पोश हूं, मिडिल क्लास से आया हूँ, बड़ी मेहनत की है, 18 साल 19 साल की उम्र से मैंने की, स्टूडेंट लीडरशिप से मैं चला, प्रेसिडेंट भी रहा और वेल ड्रेस स्टूडेंट लीडर था मैं, जिसको कहा जाता है। अभी भी वेल ड्रेस रहते हैं। और इतनी साइकिल से लेके आज तक मैंने मेहनत की है, आज भी करता हूँ। लोग परेशान होते हैं कि ये टाइम कहाँ से तुम लाते हो, यहाँ पे बैठे हैं 30 साल हो गए, मेरे घर नहीं है। जितनी अर्निंग होगी आदमी पाँव फैलाएगा, जितनी मेहनत की पैसा होगा क्या करेगा। एक प्लाट जाके लिया है किस्तों पे, मगर अभी तक बाकी पैसे नहीं है, 12 लाख रुपए के देके मैं ग्रैंड प्रेजेंट। आजाद के फ्लैट तैयार नहीं हुए होंगे। जहाँ तक ग्रैंड हयात की बात है, वो ग्रैंड है, हमारे जैसे लोग वहाँ नहीं जा सकते। अगर उसमें मेरी फ्लैट होती, न्यारी साहब सच बताऊं कि मैं ये उठाता भी नहीं, ठीक है ना? मैंने लिए भाई, मैं अपने ऊपर क्यों छुरी चलाऊं या कुछ झूठ बोल रहा? अब मेरा होता तो मैं ये कैसे एक्शन लेता? हाँ कुछ लोगों ने अलग अलग बातें की, मगर जो हक और सच में मेहनत में मजा है ना, वो हराम खोरी में मजा नहीं है। मुझे कब्र में जाना है, कफन में। तो ये जब मैंने उठाया तो देखा कि रियासत के साथ जुल्म है,